Good morning, all of you. Welcome to online classes of class 11th of history. Yes, all the students, we have covered in previous days early societies. Okay, from the beginning of time, writing, we have read about writing, some introduction about writing, city life. एंड अर्ली ह्यूमन बींग्स आदि मानव के बारे में हमने कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा. देन वी टेक टाइम लाइन. वॉट इज टाइम लाइन? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री. टाइम लाइन वी हैव ऑल्सो स्टडीड सम पॉइंट्स अबाउट टाइम लाइन इन ईच एंड एवरी चैप्टर. टाइम लाइन इज गिवन. यू आर टू अंडरस्टैंड कॉम्प्रीहेंड द टाइम लाइन एंड यू आर टू राइट वेन यू appear in test or exam, then it is very important to write timeline from the event, the happening, when does it start and when does it end up. कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, कोई भी घटना, कोई भी वाकया, कोई भी ऐसी happening, ये important हुआ करती है. Date, timing, जो date होती है, year होते हैं, इनको डालना, लिखना history के अंदर, ये आपके marks को बढ़ाते हैं. और आज हम स्टार्ट करेंगे एज यूजुअली थीम वन. इंट्रोडक्शन आपका हो चुका. थीम फर्स्ट, पहली विषय वस्तु फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम. जब ये संसार कब स्टार्ट हुआ, इंसान इस दुनिया में कब आया, व्हेन डज ह्यूमन बीइंग सेट हिज फीट, सबसे पहले इंसान ने अपने पैर इस धरती पे कब रखे, वो टाइम है. ये इंसान से पहले क्या था ये आपको भी पता है. और इंसान जब आया, पता है उसमें कि ह्यूमन लाखों साल पहले, मिलियन ईयर्स ago, वो इस दुनिया में आया, संसार में आया. तो सबसे पहले कहां पर आया, अफ्रीका में आया. ये कौन कहता है, आर्कियोलॉजिस्ट. 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन जब लोगों ने स्टडी करी, जब उन्होंने डिसाइफर किया उन सारे रिमेन्स को, उन अवशेषों को, ह्यूमन रिमेन्स, ह्यूमन फॉसिल्स अवशेष, ह्यूमन इंसानों के जो फॉसिल्स थे जो चट्टानों के अंदर पाए गए. आप जानते हैं अवशेष क्या होते हैं, ठीक है, चट्टानों के बीच में मतलब बहुत सारी हड्डियां, चाहे वो इंसान की हो, डायनासोर की हो, हड्डियां होती हैं, वो गलती नहीं है इतनी आसानी से, वो इतनी आसानी से मेल्ट अवे नहीं होती है, धीरे धीरे उन पर वो जम जाती हैं, उनके ऊपर बहुत सारा मटेरियल जमा हो जाता है और एक टाइम पे जाकर वो किसी पत्थर के अंदर छिप जाती हैं. जब आर्कियोलॉजिस्ट उनको डिस्कवर करते हैं, उनको एक्सकवेट किया जाता है, तो चट्टान जब टूटती है तो उसके अंदर से हमको ये फॉसिल्स मिलते हैं, उनके इम्प्रेशन मिलते हैं. हड्डी गल जाती है लेकिन हड्डी का इम्प्रेशन, उसकी छाप अंदर रह जाती है. तो आर्कियोलॉजिस्ट ने उनको डिस्कवर किया, उनको डिसाइफर किया और उस बेस पर उन्होंने अर्ली ह्यूमन बींग्स के इतिहास को रचा, इतिहास को राइट किया. ठीक है, उस वक्त में पेपर नहीं था, ये आर्टिफैक्ट्स थे, ये फॉसिल्स थे जिनके आधार पर इतिहास को इतिहासकारों ने लिखा. तो आज हम पढ़ेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, यानी वो समय जब सबसे पहले इंसान स्टार्ट हुआ इंसान ने. तो इसमें कुछ चीजें आप इसमें देखेंगे. एक तो ह्यूमन फॉसिल्स के बारे में है, मैन स्टोन को पत्थर के औजार हैं. तीसरा है प्योर पेंटिंग. ये तीन वो बेसिक्स हैं, ये तीन वो फाउंडेशंस हैं जिन पर आर्कियोलॉजिस्ट ने, जिन पर साइंटिस्ट ने, जिन पर स्कॉलर्स ने अध्ययन किया और इस बेसिस पर उन्होंने अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री को कंपोज किया या राइट किया. समझ गए, अब मैं इसको स्टार्टिंग से पढ़ता हूं, आप यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखिए, दिस चैप्टर ट्रेसेस द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. इस चैप्टर में मानव, आदि मानव के बारे में लिखा है. इट वॉज 5.6, ये फिगर है 5.6 मिलियन ईयर्स एगो. अब मिलियन ईयर से लिखते हैं एम वाई ए. एम वाई ए आपको लिखा मिलेगा. एम वाई ए का मतलब, एम से मतलब मिलियन और वाई से मतलब ईयर्स और ए से मतलब एगो, मिलियन ईयर्स एगो, एम वाई ए.
लाखों लाखों साल पहले की बात है, जिसको काउंट करना भी पॉसिबल नहीं है। ये सब एस्टिमेशन है, ये सब गेस है स्कॉलर्स का और एस्टिमेशन का, क्योंकि उस जमाने का एग्जैक्ट और एक्यूरेट डेट निकालना इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि 5.6 मिलियन ईयर्स एगो रिटर्न इज एम्बाई दैट द फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रीचर, मतलब इतने लाखों साल पहले पहला इंसान जैसा इंसान, इंसान जैसा मानव इस पृथ्वी पर आया, ठीक है ना। क्योंकि ये जो स्कॉलर्स हैं ये 17-18 सेंचुरी के हैं और ये लाखों साल पहले की बात करते हैं। आफ्टर डिसाइफरिंग द मटेरियल या फॉसिल्स या स्ट्रॉन्ग टूल्स या सम अदर मटेरियल ऑफ द देन ह्यूमन बीइंग ऑफ अर्ली पीरियड, तो सरफेस ह्यूमन ह्यूमन लाइक क्रीचर अपीयर्ड ऑन द सरफेस, जो सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर आया, पृथ्वी पर आया। इसके बाद सेवरल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन, अनेक इंसानी शक्लें हजारों साल बाद और चेहरे इस पृथ्वी पर अपीयर हुए, प्रकट हुए। ह्यूमन इमर्ज एंड देन बिकम इट, और आए और फिर गायब हो गए, फिर लुप्त हो गए। जैसे डायनासोर लुप्त हो गए ऐसे वो भी लुप्त होते गए, उस टाइम आते गए जाते गए, ऐसा बताते हैं। ये कह रहा है कि ह्यूमन बींग्स रिजेंबलिंग अस, और इंसान जो ह्यूमन बींग जो था, इंसान था, वो मिलता था, उसकी शक्ल मिलती थी, रिजेंबल करती थी। ओरिजिनेट अबाउट 160,000 साल पहले, अब लगाइए कि इसका एस्टिमेट करें, 160,000 ईयर्स एगो, तब जो ह्यूमन था वो आज ही उमन से मिलता था, ऐसा स्कॉलर्स ने आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है, उसका उसकी रिजेंबलेंस थी। उसके बाद कहता है ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस लंबे पीरियड में जब इंसान पहली बार आया, उसके बाद उसने कई चेहरे बदले, कई शक्लें बदली, कई रूप बदले अपने, है नहीं, और आखिरी जो रूप था जो गायब हुआ या जो फिर रहा, वो आज के इंसान से उसकी रिजेंबलेंस होती थी। ये कह रहा है कि ड्यूरिंग दिस इस लंबे पीरियड में ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री पीपल ऑब्टेन फूड, इस पीरियड में इंसान किस तरह खाता था, खाना किस तरह वो गेन करता था, ये बताया गया। तो उस वक्त का जो इंसान था वो हंटर था एंड गैदरर था, हंटर एंड गैदरर या स्केवेंजर था। स्केवेंजर कहते हैं जंगलों में घूमते फिरना, टू वांडर इन सर्च, टू वांडर हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, खाने के लिए, क्योंकि भूख जो होती है सताती है आदमी को, तो आदि मानव खाने के लिए जैसे जानवर घूमते फिरते हैं इधर उधर, ऐसे इंसान माइग्रेट करता था, हियर एंड देयर मूव करता था खाने की तलाश, इन सर्च ऑफ फूड या स्कैवेंजिंग, मरे हुए जानवर भी वो खा जाया करता था, शिकार भी करता था, शिकार नहीं होता था तो फिर जो मरे हुए जानवर होते थे उनका पेट, मतलब अपना पेट भरता था, ये खाना वो इस तरह से इकट्ठा करता था। तो वो हंटर था और गैदरर था, वो अर्ली मानव। उस वक्त एनिमल्स एंड गैदरिंग प्लांट प्रोड्यूस, और प्लांट्स एंड प्लांट प्रोड्यूस, प्लांट से मिलने वाले फल होते हैं, कंदमूल होते हैं जंगलों में, उनसे वो पेट भरता था। दे ऑल्सो लर्न हाउ टू मेक, वो ऐसा बताते हैं अर्ली मैन स्टोन टू, उसने पत्थर के औजार बनाने भी सीख लिए थे, उसने केव के अंदर गुफाओं में जहां वो रहता था रात के टाइम में, दिन के टाइम सोता था या आराम करता था, वहां उसने गुफाओं में, गुफाओं के वॉल्स पर, दीवारों पर पेंटिंग बना दी थी। पेंटिंग जिस तरह से एक छोटा बच्चा जो आपके घर में है, कोई बेबी है 1 साल का 1.5 साल का, वो जो पेंटिंग बनाता है ना, बस ये मान लो वो छोटा बच्चा एक तरह से आदिमानव का रूप मानते हैं, वो बोलता भी नहीं है, ऐसी आदिमानव भी नहीं बोलता था, वो बच्चा जो बनाता है, जो लिखता है, बस उसी तरह की राइटिंग, उसी तरह का चीजें वो आदिमानव बनाया करता था, क्योंकि वो बिल्कुल आज एक छोटे, आज की छोटे बच्चे की तरह एक मिसाल है हुआ करता था। स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड टू कम्युनिकेट, और आपस में ये इनका इंटरेक्ट होता था, आपस में ये वार्तालाप करते थे, इनकी जो भी लैंग्वेज थी, ठीक है ना, जैसे छोटे बच्चे बोला करते हैं, आपस में इशारों से बात करते हैं, समझा देते हैं, बिल्कुल वही एग्जाम्पल इन पर अप्लाई होता है। सेकेंड पैरा लेते हैं हम, इसमें इसमें आता है ऑल दो अदर वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड वर एडॉप्टेड, बाद में इस आदिमानव, जब ये आदिमानव डेवलप करता गया धीरे धीरे, ये आगे बढ़ता गया,
इसमें प्रोग्रेस होती गई, इसमें सुधार आता गया, इम्प्रूवमेंट आता गया। तो इसके खाना फूड गेन करने के जो मेथड थे, जो तरीके थे, वो भी बदलते गए वक्त के साथ साथ, हर चीज बदली। यानी हंटिंग गैदरिंग ये चलती रही साथ साथ। इवन टुडे आज भी हम देखें, स्कॉलर्स कहते हैं आज भी देयर आर हंटर गैदरर सोसाइटीज इन सम, आज भी आदि मानव हमारी पृथ्वी पर मौजूद है। ये एविडेंस है। आप अंडमान निकोबार जाएं और वहां पर जाके आदि मानव को देखें, अफ्रीका में जाएं कुछ पार्ट्स हैं वहां आदि मानव को जाकर देखें, साउथ अमेरिका जाएं वहां पर जाके आज भी आदि मानव अनडेवलप्ड कंडीशन में वो रहता है, वही का वही कंडीशन। ये आपको बताते हैं आज ही ऐसे एविडेंस मौजूद है। अब आते हैं आप कुछ चीजें इसमें ब्लू प्रिंट में देखें, इसमें कुछ इन्होंने ये रिसर्च बताया है इन्होंने, डिस्कवरीज ऑफ, अब देखिए ये कह रहा है ह्यूमन फॉसिल्स, स्टोन टूल्स और स्केव पेंट, की तीन चीजें एविडेंस हैं। ये थ्री जो थिंग्स हैं ये एविडेंस हैं, ये प्रमाण, ये सबूत हैं। इन तीनों चीजें डिस्कवरी, ये हमारी, ये तीनों चीजें हमारी हेल्प करती हैं टू अंडरस्टैंड अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री, उस वक्त का मानव इतिहास उसको समझने में ये तीन चीजें हमारी हेल्प करती हैं। क्या क्या चीजें? ह्यूमन फॉसिल, मानव अवशेष, स्टोन टू पत्थर के औजार, और क्यों पेंटिंग, गुफाओं में बनी हुई पेंटिंग जो उसने बनाई। ये तीन चीजें हेल्प करती हैं उस टाइम के इतिहास को लिखने में। इसके बाद आता है ईच ऑफ दीज डिस्कवरीज हैज ए हिस्ट्री ऑफ आर्ट, है ना, तीनों अपना इतिहास रखते हैं। इसका इतिहास अपना है, इसकी हिस्ट्री अपनी है, और इसकी हिस्ट्री अपनी है, हर एक की अपना इतिहास हो, इतिहास होता है ना, आपको पता है हिस्ट्री ऑफ इट्स ऑन। वेरी ऑफन व्हेन दिस डिस्कवरीज हैज ए हिस्ट्री ऑफ इट्स ऑन, वेरी ऑफन व्हेन सच फाइंड्स वर फर्स्ट, जब ये फाइंड्स कहते हैं डिस्कवरीज, फाइंड्स, जब ये खोजें हुई, ये तीनों खोजें हुई है ना, हमारे ये निकली, तो क्या हुआ, मोस्ट स्कॉलर्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, अधिकांश स्कॉलर्स ने इनको मानने से मना कर दिया। स्कॉलर जो विद्वान थे उस वक्त में, ह्यूमन फॉसिल को मानने से मना कर दिया है ना, स्टोन टूल्स बनाना, क्यों पेंटिंग, उन्होंने कहा भाई ये उस वक्त आदि मानव ये काम नहीं करते, ये उसके लिए इम्पॉसिबल थे, ये भी रीजन था स्कॉलर्स के लिए, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उनके जहन में एक बात और थी, ये वो स्कॉलर्स थे, ये वो यूरोपियन जर्मन में रहने वाले स्कॉलर्स थे जो क्रिश्चियंस थे, और ये क्रिश्चियंस ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट एक बुक है जो उस वक्त में उतरी थी, ये पढ़ा करते थे उस बाइबल में, इनके धार्मिक बुक में ये लिखा हुआ था कि इंसान जो है वो गॉड क्रिएशन, मानो क्या है, गॉड उसको इंसान ने बनाया है, और इंसान ने बनाया है तो इस रूप में नहीं बनाया है, जैसा कि डार्विन थ्योरी है, आपने सुनी होगी डार्विन के तरफ के, डार्विन क्या कहता है, इंसान पहले बंदर था, तो वो धीरे धीरे इवोल्यूट होता गया, आगे प्रोग्रेस करता गया, ठीक है, उसकी थ्योरी काफी हद तक रॉन्ग साबित हो चुकी है, ठीक है, और इसलिए बहुत सारे जो स्कॉलर थे उन्होंने इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट में ये पढ़ा था, वहीं लिखा था कि ह्यूमन जो है, इंसान जो है वो गॉड क्रिएशन है, खुदा ने इसको डायरेक्ट बनाया है, किसी जानवर या बंदर का रूप नहीं है, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। अर्ली ह्यूमन देवर ऑल्सो इनको यह भी शक था, इसको स्कॉलर्स इसको नहीं माना इन तीनों चीजों को, और फिर आगे स्केप्टिकल कहते हैं संदेह, शक, इन स्कॉलर्स को इस बात पर भी शक था। अबाउट द एबिलिटी ऑफ अर्ली ह्यूमन टू मेक स्टोन टूल्स और पेंटिंग, किस एबिलिटी पर, उस अर्ली ह्यूमन बींग की एबिलिटी पर, एबिलिटी ऑफ पेंटिंग एंड एबिलिटी ऑफ मेकिंग स्टोन टूल्स, इन दो एबिलिटीज पर इन स्कॉलर्स को ये शक था कि ये काम ऐसा नहीं कर सकते, ये बंदर रूपी इंसान, ये तरह का इंसान ये क्या कर सकता है, तो ये ठीक है, स्कॉलर्स ने उसको नहीं माना उस वक्त में। फिर कहता है द एविडेंस इन ह्यूमन इवोल्यूशन कम्स फ्रॉम फॉसिल्स ऑफ स्पेसीज ऑफ ह्यूमन्स व्हिच हैव बिकम एक्सटिंक्ट,
Fossils can be dated either through direct chemical analysis, मतलब फॉसिल जानते हैं, मैंने बता दिया आपको, फॉसिल अवशेष होते हैं चट्टानों में, पुराने पहाड़ जब खुदते हैं उनका डिग आउट करते हैं तो वहां से ये निकलते, जैसे डायनासोर के अंडे निकले या उसकी हड्डियां निकली, ऐसे ही इंसानों के भी इस तरह से अवशेष निकले। फिर देखें आपके वेन से डिस्कवरीज, जब भी इस तरह की डिस्कवरीज सबसे पहले डिस्कवरीज हुई अबाउट 200 ईयर, करीब 200 साल, लगभग 200 साल पहले आज से, मैनी स्कॉलर्स वर्क जब भी डिस्कवरीज हुई तो आज से 200 साल पहले, मतलब 17वीं 18वीं शताब्दी सेंचुरी में, ये स्कॉलर्स थे वर ऑफन रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट, वही मतलब आज से 200 साल पहले वाले जो स्कॉलर थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने रिलक्टेंट मानने के लिए तैयार नहीं होना, वो इस थ्योरी को लेकर, इन बातों को लेकर मानने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों नहीं थे, मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि वो क्रिश्चियन थे, जर्मन थे, जर्मन के आसपास मतलब वहां पर यूरोपियन कंट्रीज के लोग थे ये, और इन्होंने बाइबिल को पढ़ा था और बाइबिल में जो लिखा था इन्होंने उसको माना और इस चीज पर विश्वास नहीं किया। इसके बाद कहते हैं कि यस लास्ट देखेंगे हम, इन ऑगस्ट वर्कमैन हु वर क्वारिंग फॉर द लाइमस्टोन, यस डी अंदर वेल, लास्ट को देखेंगे जर्मन, ये जर्मन का मिसाल के रूप में, उदाहरण के रूप में, अगस्त में 1856 में वर्कमैन हु वर्क क्वारिंग फॉर लाइमस्टोन इन नियंडर वैली, नियंडर वैली कहां पर है, जर्मन में है, बॉन में है, यूरोप कंट्री जो जर्मनी है वहां पर नियंडर वैली है, उस नियंडर वैली की जब खुदाई हो रही थी, जब वहां पर एक्सकेवेशन वर्क चल रहा था, तब ये ह्यूमन जो फॉसिल था ये वहां पर मिला था। इस तरह का ही बताते हैं, नियंडर वैली में एक गोर्ज, वहीं पर एक बड़ा गोर्ज था, बहुत गहरा एक गड्ढा था, नियर द जर्मन सिटी ऑफ फाउंड स्थल, तो उस गोर्ज के अंदर इंसानी खोपड़ी का अवशेष मिला था इनको, एंड सम और बहुत सारे स्केलेटन खोपड़ी के टुकड़े मिले थे उनको, वहां पर फ्रेगमेंट पीसेज मिले थे उनको, दीज वर हैंडेड ओवर, जब ये पीसेज मिले उनको, उन खोदने वालों को जब ये पीसेज मिले, इंसानी खोपड़ी के पीसेज मिले, तो उन्होंने क्या किया, इन पीसेज को उन खोदने वालों ने, उस लेबर ने किसको दे दिया, एक टीचर थे लोकल स्कूल के, काल नाम के, उनको दे दिया, स्कूल टीचर थे, है नहीं, और फिर रियलाइज जिनको लगा, जब जब टीचर को ये सब दे दिया गया तो टीचर को ये लगा कि दे डिड नॉट बिलोंग टू ए मॉडर्न ह्यूमन, वो देख के लगा कि ये आज की ह्यूमन बीइंग को तो बिलोंग नहीं करता है, इससे ऐसा कोई मेल जोल नहीं है, कुल मिलाकर वो पढ़े लिखे थे, उन्होंने उस फ्रेगमेंट्स ऑफ ह्यूमन स्कल्स, और वो स्कल्स अब किसको हैंड ओवर कर दिए, उन्होंने इसका, उन्होंने क्या किया, उसका बनाया प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर कास्ट ऑफ द स्कल, स्कल पर उन्होंने बहुत सारा होता ना प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो बन दिया, उसको स्मियर कर दिया, उसके बाद फिर उसका खोखा बनाकर, उसका एक डमी बनाकर, उन्होंने वो डमी किसको पहुंचा दी, एक साइंटिस्ट थे एनाटॉमी के, प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, इंसान के शरीर के नॉलेज रखने वाले, उनको पहुंचा दिया वो प्लास्टर कास्ट, वो डाइजेस्ट थी बनाकर उनको पहुंचाया, और अगले साल द फॉलोइंग ईयर दे ज्वाइंटली पब्लिश ए पेपर, स्कूल टीचर ने और इन प्रोफेसर साहब ने, जो एनाटॉमी के प्रोफेसर थे, इन दोनों ने एक पेपर में, एक अखबार में क्या निकाला, दोनों ने मिलकर क्लेमिंग, मतलब एक उन्होंने पब्लिश किया, उसमें ये दावा दिया, दिस स्कल रिप्रेजेंटेड ए फॉर्म ऑफ ह्यूमन दैट वाज एक्सटिंक्ट, उन्होंने कहा कि ये इंसान की खोपड़ी है जो अब, मतलब उस वक्त का इंसान है बहुत पहले का, जो अब नहीं है, एक्सटिंक्ट, जो अब लुप्त हो चुकी है, डिसअपीयर हो चुकी है, ये बात उन्होंने जर्मन के पेपर में, अखबार में निकाली, ये पूरा उसका फोटो वोटो दिए, या कुछ चीजें आपको भी दी हुई हैं, इनको आप ध्यान से देखें, जितना आप देखेंगे डायग्राम्स को, पिक्स को, इतिहास समझ में आएगा और इतिहास पढ़ने में आपको मजा भी आएगा, इसको आप पहले से पढ़ लिया करें जो आपको पढ़ाया जाना हो। उसके बाद फिर कहता है कि एट द टाइम, उस समय स्कॉलर डिड नॉट एक्सेप्ट दिस व्यू एंड इंस्टेड
declared that the skull belonged to a person of more recent times. उस वक्त ये सब बताया आपको कि जो scholars है वो believe नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो आप लिख रहे हैं ये recent times, recent अभी कुछ time पहले, अभी कुछ सालों पहले का human being थे, ये वो है उस वक्त का ह्यूमन बीइंग, बिल्कुल भी इंसान से मैच नहीं करता था, यह अभी कुछ टाइम पहले का, कुछ हजार साल पहले का हो सकता है, वो लाखों साल पहले का नहीं हो सकता। यहाँ पर एक तरह का मतभेद, एक तरह के डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं कुछ बातों को लेकर, कुछ फैक्ट को लेकर। अब हम आगे देखते हैं, यह है आपका द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन, इंसान, इंसानी विकास, इंसान धीरे 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 डेवलप करता गया, प्रोग्रेस करता गया, उसका विकास होता गया और आज आप और हम किस रूप में आ गए, ये विकास की कहानी है जो अभी आप सुन रहे हैं काफी टाइम से। इसमें हम पढ़ेंगे प्रीकर्सर्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बींग, आज के ह्यूमन, आप और हम इंसान है, हमारे फोरफादर्स, उनके बारे में हम जानेंगे डिटेल में अभी धीरे धीरे, क्योंकि हिस्ट्री है, हिस्ट्री बहुत लेंथी होती है, यहाँ छोटी छोटी बातों को बहुत डिटेल में बताया जाता है, डिटेल में नहीं बताएंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हिस्ट्री है, इतिहास जानते हैं, नाम ही इतिहास है ना, इसमें इतिहास में अति होती है, पूरी बात को खोल के एक्सपोज करके बताया जाता है वन बाई वन करके। तो इसको आप पढ़ें और नेक्स्ट टाइम अपन इसको लेंगे पूरा, इसको कवर है ना। For now, thank you so much.